पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के उदवंत नगर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में योग शिविर के माध्यम से हम आज अपने को निरोग बनाने का संकल्प लेंगे। तो आइए आपको मैं अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को आपके विद्यालय में लाने के लिए जिन दिव्य आत्मा ने, महापुरुष ने भगीरथ प्रयास किया, जैसे गंगा को धरती पे लाने के लिए भगीरथ ने प्रयास किया था, उसी प्रकार आपके विद्यालय के आदर्श शिक्षक आदरणीय गिरिजेश सिंह जी, जो हम सब के एक प्रेरणा स्रोत हैं, उनके माध्यम से यह कार्यक्रम आपके विद्यालय तक आया है और आप सबके भीतर योग का बीजारोपण हो रहा है और यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और वटवृक्ष बन करके आपको भी लाभ देगा और आपके जीवन और पूरे राष्ट्र को भी यह लाभ देने वाला है। तो आइए दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं, तर्जनी को मोड़ लेते हैं, दाहिना हाथ बेटा जिससे भोजन करते हैं, और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रख लीजिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। ऐसे उठाना नहीं है बेटा, दाहिने हाथ को मैंने बोला था उठाने के लिए, अब दाहिने तर्जनी को मोड़ करके और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रख लेना है, वहां पे तुम्हारा दाहिना। अब बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरिए, सब छोटा बच्चा भी भरेगा, जो खड़ा है बैठा है सब, कोई बच्चा नहीं रहेगा। एक बार फिर सुनिए, दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरिए, जब सांस अंदर चला जाए तो मध्यमा और अनामिका अंगुली से बाएं नाक को बंद कर लेंगे और दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। बहुत अच्छा। फिर दाहिने नाक से सांस भर लीजिए, फिर दाहिने नासिका को बंद करिए और बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़िए, फिर बाएं नाक से ही भर लीजिए। अब बायां को बंद करिए, दाहिने से छोड़िए धीरे धीरे, फिर दाहिने से ही भर लीजिए, फिर दाहिना बंद करिए और बाएं से छोड़िए, कोई हंसेगा नहीं बीच में। अब आंख बंद करिए, आंख बंद करो बेटा, आंख अपना। अब इस अभ्यास को हम मिल करके करते हैं, आंखें बंद, मन शांत, और जो बीच में हंस रहा है, जो बीच में दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, हे भगवान वैसे बालक को सद्बुद्धि दो, वह भी सुधर जाए, वह भी बदल जाए। कारण कि हम अलग अलग परिवेश में रहते हैं, सबका परिवार अलग अलग वातावरण में रहता है, इसलिए किसी के अंदर शुभ परिवेश, किसी के अंदर अशुभ संस्कार भरा हुआ है। ये परमात्मा सभी विद्यार्थियों के भीतर सात्विक आध्यात्मिक चेतना का विकास करो और सब महान बन करके अपने विद्यालय का, अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए, आप मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिना बोले हुए मन ही मन सांसों पर ध्यान टिका करके इस अभ्यास को सीखिए। इतना बढ़िया अभ्यास है, इसको सीखने के लिए पहले लोग 10,000 रुपया 20,000 खर्च करते थे और सबको नसीब नहीं होता था सीखना, लेकिन आज परम पिता परमेश्वर की कृपा से और परम पुरुष स्वामी रामदेव जी महाराज के कृपा से यह कार्यक्रम निःशुल्क रूप से गांव गांव में विद्यालयों में चलाया जा रहा है। धीरे धीरे सांसों को भरते जाइए।
दांतों को धीरे धीरे छोड़िए, ऐसा नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा वह मैं बता रहा हूँ। अभ्यास करते रहेंगे, जिसको माइग्रेन की बीमारी है, जिसको अधकपारी सर दर्द करता है, वह ठीक हो जाता है बिना दवा का केवल अनुलोम विलोम के प्रयास से। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको केवल 5 दिनों के अभ्यास से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है और बिना दवा का वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं, तनाव करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, करते रहे अभ्यास। ऐसा नियमित अभ्यास करने से शरीर ऊर्जा से भर उठता है, मन में उमंग उत्साह। अभ्यास को करते जाइए, अभ्यास में कमी मत करिए। प्रभु जी इन प्राणों में वरणीय तेज भर दो। हे परमात्मा, इन छोटे छोटे अबोध बालकों में, इन बच्चों में शुभ संस्कारों से प्रेरित हो जाए, ऐसी कामना हमारी। धीरे धीरे सांस को भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाइए। ये विद्यार्थियों के लिए इतना लाभकारी प्राणायाम है कि बच्चा यदि एक सप्ताह कर ले तो याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, एकाग्रता कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और कोई भी चीज ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इतना जबरदस्त और विश्व प्रसिद्ध प्राणायाम है अनुलोम विलोम का अभ्यास, केवल करते जाएं। अब धीरे